नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते सभी को। तो हम लोग यूएचपी 3 में लेक्चर 6 तक डिस्कस करने के बाद अभ्यास 1 के स्टेप 2 को ओपन किए थे। उससे पहले हमने अभ्यास 1 के स्टेप 1 को जब ओपन किया था तो उसमें अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया था। उसमें भी मुख्य रूप से अपनी भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया था। तो सुबह के सत्र में एक तरफ तो हम पूरे अस्तित्व के ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, मानव और ज्ञान को लेकर, अस्तित्व के ज्ञान को लेकर और अस्तित्व में मानव की भागीदारी को लेकर, है ना, पूरी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वास्तविकता को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास 1 में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने स्टेप 1 में अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया और ये अपने को दिखता है कि भाव से ही हमारा विचार तय होता है और अपने भाव विचार में ही हम सुखी दुखी होते हैं, जिसका हम आस्वादन करते हैं स्वयं में। इसलिए भाव को ऑब्जर्व करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक तरह से अनिवार्य है, क्योंकि भाव के परिमार्जन से ही ज्ञान की शुरुआत है। तो हम जब इच्छा के स्तर पर देखते हैं तो दिखता है कि चित्रण से चिंतन की ओर जाना है, चित्रण में कुछ भाव बना हुआ है और वो भाव अभी हो सकता है कि मान्यताओं के आधार पर हो, संवेदनाओं के आधार पर हो, और पार्टली ऐसा भी हो सकता है कि सहस्वीकृति के आधार पर हो। तो अपने भाव को सजग होना है और उसमें परिमार्जन के लिए काम करना है। तो स्टेप 1 में हमने भाव को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया, बिना उसको रोके, बिना बदले, बिना उसमें कोई परिवर्तन के लिए काम किए, बिना उसका मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, जैसा है वैसा उसको देखने का अभ्यास किया। और उसके साथ हमने अपनी कल्पनाशीलता को भी देखने का प्रयास किया, इच्छा विचार आशा को अलग अलग करके देखने का प्रयास किया। और स्टेप 1 में हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया, जैसा है उसको वैसा बस देखते रहे। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारा एक अभ्यास होता है तुरंत अपने अंदर हो रहे किसी भी क्रिया को तुरंत बदलने को या तुरंत उसको मूल्यांकित करने को, अगर प्रिय लग रहा है तो बनाए रखने को, अप्रिय लग रहा है तो बाहर निकलने को। ये भी एक गहरा अभ्यास है। तो स्टेप 1 में हमने जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण काम है ये। हमारा विकास विचार के स्तर तक तो हो जाता है, परंतु भाव के स्तर पर विकास करने में समय कई बार लग जाता है। तो इसको हमने स्टेप 1 में किया। स्टेप 2 में जाकर हमने मूल्यांकन शुरू किया और यह देखने का प्रयास किया कि जो भी भाव मेरे अंदर है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, वह मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। तो या तो हम सीधा सीधा देख लें कि हाँ, जो मेरे अंदर भाव है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं है या सहज रूप से स्वीकार है, उसको सीधे सीधे देख लें। बट कई बार ऐसा होता है कि जब इसको देखने जाते हैं तो तय नहीं हो पाता कि मैं अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच रहा हूं या मैं अपनी किसी मान्यता से ही मिलाकर उसको देख रहा हूं। तो उसी को दूसरी तरह से कहा कि हम ये देख लें, क्या ये मानवीय स्वभाव का अनुरूप है, क्या हर मानव की यही चाहना होगी, हर मानव की यही सहज स्वीकृति होगी। बट यदि उसमें भी कठिनाई लगती है, हर मानव के स्तर पर हम नहीं देख पा रहे, मानवीय स्वभाव का अनुरूप नहीं देख पा रहे, तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। तो हो सकता है कोई बहुत प्रिय भाव बन रहा है हमारे अंदर, कोई प्रिय संवेदना के आधार पर, ठीक है ना, बट उसमें ये भी लग सकता है कि मुझे सहज रूप से स्वीकार है। और जब निरंतरता को देखते हैं तो लगता है कि निरंतरता तो नहीं चाहेंगे, यानी कि कुछ देखने में चूक हो गई। तो कई प्रकार से उसको जांचने का अभ्यास कर रहे हैं। सहज स्वीकृति की बात तो हम लोग वर्कशॉप में डे 1 से करते रहे हैं, लगभग हर चर्चा में इसकी बात होती है, बट फिर भी आप पाएंगे कि देखने में हमारे चूक होती रहती है। ये मेरी सहज स्वीकृति है या हमारा कोई पुराना अभ्यास है, कोई पुराना गहरा संस्कार है, कोई मान्यता है, यह स्पष्ट नहीं होता। तो स्टेप 2 में ये जब हम सहज स्वीकृति के आधार पर जांचने जा रहे हैं तो सहज स्वीकृति भी हमको ज्यादा स्पष्ट होती है। और काम तो यही है कि सहज स्वीकृति हमको जैसा है वैसा दिखाई दे जाए, तब तो उसमें हम परिमार्जन के लिए काम करेंगे। अगर हर क्षण में दिखाई दे जाए कि यह स्वीकार है या स्वीकार नहीं है, ठीक, तो उसकी फिर स्वीकृति जिसकी बनी हुई है उसकी निरंतरता के लिए काम करेंगे। तो ये अभ्यास हम लोगों ने स्टेप 2 में किया और उसको ही थोड़ा समय लेकर चर्चा को रोककर हम लोगों ने सुबह में देखा। दिन भर के लिए भी ये बात हुई कि हम लोग हर 4 घंटे पे अपने आप में ऑब्जर्व करें,
इसे एक अभ्यास बना लें कि मुझे अपने भाव के प्रति हर क्षण सजग रहना है। तो एक तरफ तो हम ज्ञान के लिए इन प्रस्तावों को हम जांचेंगे, उसको जीकर देखेंगे, उसके आधार पर पूरे अपने जीने को चित्रित करेंगे। दूसरी तरफ वास्तविकता को बारीकी से जैसा वैसा देखेंगे, और इसमें मुख्य काम तो चैतन्य को देखना है। एक बार चैतन्य के प्रति स्पष्टता हो जाए तो जड़ के प्रति भी होने लगती है, और फिर इसके आधार को देख सकते हैं। तो ये तैयारी हमारे अंदर और सटीक हो जाए और बारीक हो जाए, इसके लिए काम करना है अपने को। तो कल उन्होंने ये असाइनमेंट भी लिया था स्टेप टू को लेकर, तो इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, कल दिन भर में जो अभ्यास किया उसको रख सकते हैं। भैया एक चीज शेयर करना चाहता था कि मेरा बेटी है क्लास 3-4 में, तकरीबन 8 साल की है, वो हमेशा झूठ बोलती है हमेशा। तो मैं ये जानता हूँ ये स्वभाव उसका अंदर आया कहाँ से, और फर्स्ट और सेकेंड टाइम में इसको बार बार समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें, वो चाइनीज खाती है तो हमें बोलता हूँ कि हमेशा कि तुम्हें क्या पसंद है, सही स्वस्थ रहना या बीमार रहना, बोलते स्वस्थ रहना। और हमेशा मैं यही चीज जब जब खाना खाती है हमेशा बोलता हूँ, और ऐसे कि कुछ इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करने के लिए भी उसको बोलता हूँ कि बेटा च्यवनप्राश खाया करो, नहीं खाऊंगा। मैं पूछता हूँ तुम्हें स्वस्थ रहना है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या, तुम्हें बीमार रहना है, तो बोलता है मुझे सही रहना है। तो उसको क्या करना चाहिए, मैं बार बार यही चीज उसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका जब तक आप लोग बोलते हैं कि उसको जब तक समझ नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकेगा। और ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए स्कूल के बाद आने के बाद हम बोलते हैं कि पढ़ती नहीं है, मैं बोलता हूँ कि बेटा तुम क्या एग्जाम में तुम्हें कोई चीज समझना है, पास करना है, या एग्जाम में फेल हो गई तो तुम्हें दुख लगेगा, नहीं मुझे पास करना है, मुझे पढ़ेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, और बार 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 झूठ बोलते रहते हैं। तो कल एक चीज पे झूठ बोला मुझे, और रात को 9:30 बजे लेके मार्केट चला गया, और घर आने के बाद बोल रही है कि पापा उस दीदी का बर्थडे 5 तारीख को है, आज नहीं। मैंने बोला कि बेटा आज तो भी हम जाके ले सकते थे गिफ्ट, शाम को 6-7 बजे जाके, आप मुझे ये ठंड में 9-10 बजे मार्केट जा रहे हैं, तुम भी ठंड में जा रही हो, अच्छा लग रहा है? तो मेरा टनक से माथा खिसक गया, ये चीज इतना बार कर रही है। तो मैं समझ नहीं सका कैसे डील करते हैं, उस वक्त मेरा जो भाव था मैंने जब पूछा सही था, मगर कैसे फिर कुछ टाइम के बाद मेरा भाव परिवर्तन आ गया मैं समझ नहीं सका ना, तो ये कैसे डील किया जाए जी बताएंगे प्लीज। जैसे कि मान लीजिए और एक एग्जांपल, मतलब कोई घर लड़की जा रहा है रास्ते पे और कोई उसको छेड़ रहा है, डेली छेड़ रहा है, उसको जाके पूछ रहा है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम यार तुम्हारा घर में भी तो माँ बहन है, तो मुझे छेड़ते हो तुम्हें खुशी मिलता है, ठीक है, तो मुझे तुम्हारा घर का भाई बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें खुशी मिलेगा? तो बोलने के बाद भी अगर नहीं समझे इंसान, उसको क्या करना चाहिए, कैसे डील करते हैं, यही चीज तो सीख रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा आप थोड़ा गहराई में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। ये बढ़िया भैया, आपने अपने परिवार की जेन्युइन बात शेयर की हम सबके साथ जी। तो कभी हम बेटी से पूछ सकते हैं, एक तो जो दूसरी आपने बात बताई उसको अलग ढंग से हम लोग देखेंगे, जो आपने बेटी की बात बताई जिसकी उम्र 8 वर्ष है, तो अब अपने बेटी से कभी ये पूछते हैं कि वो चाहती क्या है। खुशी चाहती है, अच्छा चाहती है, खुशी चाहती है, सही रहना हाँ। चाहती है जी, सही रहना चाहती है, खुशी चाहती है, और खुशी के लिए क्या क्या चाहती है? खुशी के लिए जो चीज उसे खुशी दे वही चीज उसे चाहिए। क्या चाहिए, क्या उसे चाहिए खुशी के लिए? जैसे कि खाने में, जैसे कि अभी सुबह है अभी स्कूल जाएगी, हम ना तय करें, बच्ची से पूछे। हाँ बच्ची से पूछता हूँ ना, बच्ची से पूछते हैं तो खुद ही बोलती है तो मुझे ये चाहिए, ये खाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगा। हाँ तो ये हमको दिखाई देता है कि जैसे एक तो स्वाद से खुशी पाने का उसका एक अभ्यास हो गया है, ये भी हम देख सकते हैं कि यह अभ्यास किसी रूप में हमारे द्वारा गया है बच्ची के अंदर, या उसका कुछ पुराना ही संस्कार है। तो कई बार जैसे अभी ये जो आपने बताया कि चाउमीन खाना आदि, तो ये तो कहीं हम ही ने बनाया घर में, बच्चे को तो कहीं से एक्सपोजर मिला होगा। उसकी बड़ी बहन भी है कोई,
है ना, जैसा बता रहे थे। नहीं नहीं कोई नहीं, वो खेली है छोटी। तो दीदी का बर्थडे आपने बताया 5 तारीख को है। हाँ वो जो वो एक्चुअली डे बोर्डर है, तो जहाँ रहती है वहां पे उसके मतलब सीनियर सर होते हैं ना, तो सेज मिक्सिंग हुई था, तो उसको बोला कि मैं दीदी बोलता हूँ, मुझे उसके लिए गिफ्ट देना है। जी, तो एक तो हम बच्ची से संवाद कर सकते हैं कि वो चाहती क्या है। तो जैसे उसने कहा खुशी चाहते हैं, खुशी के लिए क्या क्या चाहती है, तो उससे एक आर्टिकुलेशन हो जाएगा कि अच्छा स्वाद से सुखी होना चाहती है, कुछ और ही चीजें होंगी जिससे सुखी होना चाहती है। फिर उसके बारे में हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, है ना, कि आप इससे जो खुशी चाहते हो ये कितनी देर बना रहेगा। तो बच्चा बता सकता है, और आप कितनी देर तक खुश रहना चाहते हो वो भी बच्चा बता सकता है। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आप निरंतर खुश रहो, बराबर खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मान लो ये तुम्हें कोई चीज खाकर खुशी मिलती है और चीज ना मिल पाए तो दुखी भी हो जाओगे। तो कोई ऐसा दुखी तरीका होता हो सकता है कि, हाँ एक मिनट उसको पूरा कर लूंगा, कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वो बराबर खुशी आपको मिले। जो भी शब्दों में बच्चा समझ पाता है उतने में हम संवाद कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि बच्चे के साथ संवाद करें। दूसरा, हम ये भी देखें कि बच्चे की निर्भरता बन रही है स्वाद के ऊपर, क्या कोई मान्यता बन रही है, कहीं इसके स्रोत हम तो नहीं है। है। जैसे बच्चे को चौमिन का लत पड़ा, कैसे पड़ा? बच्चे को कोई और जैसे झूठ बोलने की जो आदत पड़ी वो कैसे पड़ी? तो ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में, उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए हो सकता है कि परिवार में ये बात उसने ऑब्जर्व किया कहीं पर, कि और कहीं हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया होगा कि ऐसे मौके पर झूठ बोलना बनता है आदि आदि। तो उसको भी आप देख लें कि कुछ ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ से कोई गलत संस्कार जा रहा है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। तीसरी ओके नहीं, हमारा बात घर में, तो ये, हमारा तीसरी घर बात में तो ये, बनता नहीं है। हमारा घर में ना हम खाते हैं ना उसका मदर खाती है, मगर ये खाती है। जैसे कि उसका स्कूल में 7 दिन में एक बार बनता है थर्सडे को, जी उनका चार्ट है कि एक दिन ये बनेगा, एक दिन ये बनेगा, ये दिन ये बनेगा, दाल चावल कढ़ी चावल ऐसा बनता है। तो 7 दिन में थर्सडे को बनता है जो चौमीन और ऐसे कुछ चीज बनते हैं, ओनली थर्सडे को बनता है। हम ऐसे नहीं खाते हैं घर ठीक है ना, ठीक है, में। उसको ऑब्जर्व करने की बात है। तो पहली बात तो कि बच्चे संवाद करना, दूसरी बात बच्चे के अंदर ये अभ्यास कैसे बन रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, है ना, कहीं हमारे से तो नहीं जा रहा, स्कूल से भी जा रहा है तो वो भी एक स्रोत है, ठीक। तीसरी बात कि बच्चा झूठ बोलता है जब वो हमसे भयभीत होता है। अगर उसे हमको भय उसको हमसे भय ना लगे तो शेयर करेगा हमारे साथ। तो कहीं हम बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो इसको भी हम ऑब्जर्व करें कि अगर हम किसी रूप में बच्चे को भयभीत कर रहे हैं, उसके अंदर भय पैदा कर रहे हैं, है ना, दंड ये का भय हो सकता है, किसी और बात का भय हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा हम अपने आप में ऑब्जर्व कर लें। तो बच्चे के साथ कैसे हम एक स्नेह पूर्वक निर्वाह कर सकते हैं? तो कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे के अंदर ऐसी कोई आशा बनी कि ये कोई चीज खाई जाए, हमने उसके साथ मिलके खा भी लिया और साथ में फिर मूल्यांकन किया, खा तो लिया, आप देखो पेट बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, ऐसा होगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम पहले से ही उसको ना कह देंगे या, है ना, मना कर देंगे। कभी कभी हम उसके अनुसार भी चलेंगे और साथ बैठ के मूल्यांकन करेंगे। ये संबंधों में करना भी होता है कि हर चीज को अगर हम पहले से ही तय कर दें तो अगला व्यक्ति आहत होता है और फिर उसे कभी वो झूठ भी बोल सकता है या उसमें कुछ शब्दों में चालाकी का भी प्रयोग कर सकता है। परंतु उसके साथ हम उससे गुजर कर साथ साथ मूल्यांकन कर लें कि देखो उसको करके क्या उपलब्धि है। अब अगर स्कूली चाउमिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो है ना, जाहिर सी बात है वहां से अभ्यास आ रहा है बच्चे के अंदर। तो ये जो जैसे तीसरी बात है कि बच्चे के अंदर भय क्यों पैदा हो रहा है इसको हम ऑब्जर्व करें, तभी वो झूठ बोल रहा है, हाँ, अदरवाइज वो झूठ क्यों बोलेगा। नहीं भैया भैया, बस आप जो बोले ना कि देखिए वो जैसे मांग रही है कि पापा ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हम तो नौकरी करते हैं तो बेटा बेटी मांग रहे तो देते भी हैं, जब भी जो मांगा दिए हैं, मगर फिर भी उसमें ये संस्कार बन जा रहा है कि झूठ बोलना। आप जो बोल रहे हैं कि भय है कि नहीं उसको देंगे नहीं या मारपीट करेंगे या डर, ये हम डराते नहीं है, क्योंकि इतना तो समझ है हमें कि डराने से हमें से यार नहीं करेगा, और ये भी तो किए हैं हम, तो परिवर्तन तो आया है, इतना भी मालूम है कि ये करेंगे तो ये और जुड़े, मगर हम उसको इतना अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी वो कर रही है। अब मेरा बात समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब इसको जो मैंने 3 बातें कही इस पे आप थोड़ा सा और गौर कीजिएगा।
प्रयोग करिएगा, कभी अलग से बात कर लेंगे इसके ऊपर, है ना। कभी बच्ची अगर उपलब्ध हो जाए तो फोन पे बच्ची को साथ में ले लेंगे, बात कर लेंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बच्ची के साथ डील नहीं करना है, स्नेह का निर्वाह करना है। डील मतलब कोई समस्या है ना, और मैं उसे परेशान हूँ और किसी तरह से मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ समस्या को, वो मुद्दा नहीं है। बच्ची के विकास में मुझे सहायक होना है। देखना है कि हम संबंधों में हमें डील नहीं करना है, किसी व्यक्ति को डील करना, उसको डील नहीं, हमें तो उसके साथ भागीदारी करनी है, हमें तो उसके साथ स्नेह का निर्वाह करना है और स्नेह पूर्वक उसका विकास करना है कि नहीं। ऑब्जर्व करिए ये जो तीन बातें मैंने कही, है ना। और कभी अवसर मिले तो अलग से बात कर लेंगे, बच्ची अगर साथ में हुई तो उनसे भी बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, हाँ भैया, ठीक है, थैंक यू। तो ऐसा करते हैं कि ये जो गृह कार्य है इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हैं। तो अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे थे हम, और उसमें इच्छा विचार आशा को अलग करने का प्रयास भी कर रहे थे, और उसमें कुछ उदाहरण हम लोग लिए थे कि कोई अप्रिय व्यवहार होता है तो उस समय हमारे आशा अपेक्षा क्या होती है, विचार क्या चल रहा है, उसके पीछे भाव क्या है। वैसे ही घर में कोई काम कर रहे हैं उस समय हमारा भाव क्या होता है, अलग अलग अवसरों पे जो हमें व्यवहार मिलता है उस समय हमारा भाव क्या होता है, जो हम कार्य कर रहे होते हैं उससे हमारा भाव क्या होता है, और वो भाव हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, तो उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं अपने ऊपर, इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। जो हम 10 मिनट का समय लगा रहे हैं ये एक अभ्यास है, दिन भर इस अभ्यास को बनाए रखने के लिए। तो इसको हम लोग देखें कि ये एक तरह से प्रिपरेशन है, एक तरह से ये तैयारी है। इन 10 मिनटों में हम जितनी बारीकी से ये काम करेंगे दिन भर, उतनी ही बारीकी से करने की हमारी तत्परता बन जाएगी। तो अपने कई सारे साथी जो सुबह के सत्र में हैं वो इस अभ्यास को किए हुए हैं, क्योंकि तो हम लोगों ने बैच 6 तक इस अभ्यास को किया था, अब बैच 7 में हम UHV 3 के साथ जोड़ के इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो उनको तो अभ्यास बन चुका है। जो अपने नए साथी हैं वो जरूर इस काम को थोड़ा गंभीरता से करें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है ना, जो बार बार बात हो रही है कि ये भाव में ही परिमार्जन से हमारा विकास है। ये जितना स्पष्ट रूप से दिखेगा, अपने भाव को देखने की गंभीरता उतनी बनेगी, उतनी निष्ठा बनेगी, तैयारी बनेगी, तत्परता बनेगी। तो अभी 10 मिनट पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 10 मिनट उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने भाव को ऑब्जर्व किया और उसका मूल्यांकन किया, ये भाव हमें सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। इसको लेकर कोई यदि प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। सर, कल मैंने अपने आप में देखा कि आशा और उपेक्षा ही एक कॉन्ट्राडिक्शन का मेन रीजन है, क्योंकि मैं जब कोई भी कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने अपने मैं को दूसरे जो दूसरा संबंधी था उस मैं में रख के भी देखा, तो भी जो प्रॉब्लम आई वो आशा और उपेक्षा से ही आई। तो फिर जैसा है वैसे चलने के संबंध में मैंने देखा, तो फिर कहीं जाके वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई कि अगर हम ज्यादा भी कोई अपनी इच्छा के लिए कोई काम करेंगे या अपनी समझ से काम करना चाहेंगे तो दूसरों में प्रॉब्लम होगी। जी, तो इसका जो आप कह रहे हैं उसका एक अर्थ तो ये हुआ कि हम दूसरों से कुछ आशा बना लेते हैं और हम उस व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, फिर वो आशा पूरी नहीं होती, उससे तो हम फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं। जी, फिर हम भी दुखी होते हैं, और यदि आशा को पूरा करने का दबाव बनाते हैं अगले व्यक्ति पे तो भी दुखी होता है। तो हम अपना भी सही मूल्यांकन कर पाए और हम दूसरे का भी सही मूल्यांकन कर पाए। इसमें भी आप पाएंगे कि जो मेरा स्वयं का मूल्यांकन है ये ज्यादा प्राइमरी है, तो अगर मैं अपने मूल्यांकन में करता हूँ। हाँ जी सर, जब मैंने अपने आप को मूल्यांकन करने की कोशिश करी तो फिर मैं जो मेरा पेंडिंग वर्क था उस वर्क को मैंने करने की कोशिश करी, और सही माने में सारी सिचुएशन एकदम सॉल्व हो गई, क्योंकि वो सिचुएशन जो क्रिएट करी गई थी वो मेरे द्वारा ही क्रिएट। फिर मैंने बहुत ज्यादा सोचा तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो उसमें देखा कि वो मेरा एक वर्ड बोलने पर, यानी कि मेरे को
उस चीज के लिए मैंने आशा करी थी वो मैंने उनसे शेयर करी कि वो मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। उसको हटाने पर वो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको हटाने पर उसको प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और पूरा फैल गया। तो उस सिचुएशन में मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और ये सोचा कि नहीं, अब अपने आप में सही है, कोई जरूरत नहीं, जैसा है वैसे चलने दो, नहीं होता कोई बात नहीं, जैसे सिचुएशन चलेगी ऐसे अपने पेंडिंग काम के लिए बिजी होगी और वो वर्क भी हो गया जो पूरा इतने दिनों से काम था, 1 वीक से मेरा पेंडिंग पड़ा था वो कंप्लीट हो गया, मैं भी रिलैक्स में आ गई और सारी सिचुएशन भी कंट्रोल में हो गई। बढ़िया तो, बढ़िया दीदी, देखिए आप अपने ऊपर जो काम कर रही हैं उससे परिवार में हार्मनी बढ़ती जा रही है जी। बट यही है कि जो आप कह रही हैं उससे अभी पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसको और थोड़ा बारीकी से अपने आप में ऑब्जर्व करिएगा एग्जैक्टली क्या अपेक्षा थी और है ना उसमें आपने क्या निर्णय लिया। परंतु वो अच्छी बात तो यह है कि आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, स्वयं ऑब्जर्व कर रही हैं और उससे दूसरों को भी आपके साथ रहने में ज्यादा सुख मिल रहा है, परिवार में हार्मनी बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और सर मैंने पूरा कॉपी में जो आपने होमवर्क दिया था वो भी पूरा कंप्लीट करा बैठ के और अच्छा। उसमें भी देखा कि दो पेजेस में उसको मैंने पहले उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखे तो आंसर में कहीं पर भी यस नहीं आ रहा था तो नोन वन हाँ जी, तो वहां पर भी फिर मेरे को वहां पर सोचने और जांच परख करने में मेरे को बहुत हेल्प हुई और फिर उसके बाद सिचुएशन जब शॉर्ट आउट हुई तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स आया कि हाँ यार ये सब ऐसा ही है, जैसा है वैसा चलने से ही अच्छा है। हम नहीं, किसी नहीं, मैं से जैसा वैसा, इसलिए मैंने कहा कि आपके उदाहरण से बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, तो जैसा वैसा चलने दे ये भी कोई समाधान नहीं है और अपने अनुसार चलाएं सभी को ये भी समाधान नहीं है, ये भी समाधान नहीं है। हाँ जी सर, अपने अनुसार चलाने में ज्यादा नुकसान है। नहीं रुके रुके, और जैसा है जैसा चल रहा है वैसा चलने दें ये भी कोई समाधान की स्थिति नहीं है। तो जो सहज स्वीकृत है जी, रुके रुके, तो जो हमें सहज रूप से स्वीकार है, रुक जाइए, जो हमें सहज रूप से स्वीकार है उसको हम पहले स्वयं में देखें, ठीक है ना। तो अगर हमने अपनी अपेक्षा ही ऐसी बना ली है कि हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर दूसरों का ध्यान आकर्षण भी करेंगे, और दूसरों का भी जब हम ध्यान आकर्षण करेंगे तो उनके अंदर उनके प्रति हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहेगा। आप इसको और थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि अभी हम दो एक्सट्रीम्स में चलते हैं, या तो जो चल रहा है चलने दो है ना, या फिर सब मेरे अनुसार चले, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम भी सही चले दूसरा भी सही चले, राइट सर, जैसा वैसा चलने दे ये समाधान नहीं है, सब मेरे अनुसार चले ये भी समाधान नहीं है, मैं भी सही चलूं दूसरे भी सही चले ये समाधान है, ठीक है सर। बढ़िया दीदी, तो स्टेप टू में हमने अपने भाव का मूल्यांकन किया कि हमें सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं और उसको हमें बनाए रखना है। तो जो स्टेप्स हैं उसको हमको बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है, ये नहीं कि उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। अब अपने भाव को सजगता को बनाए रखते हुए और ये देखते हुए कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, अब मुझे अपनी स्थिति को देखना है कि मेरी स्थिति कैसी है। तो मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ मेरे भाव विचार का, मेरे क्षण की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस भाव के साथ स्वयं में मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ इसको देख सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ से कहें तो मैं स्वयं में संगीत में हूँ या अंतर विरोध में हूँ, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो मैं स्वयं का मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मेरे भाव विचार की इस क्षण मेरी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके साथ मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, स्वयं में संगीत में हूँ या अंतर विरोध में हूँ, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। उदाहरण के लिए अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें कि जब आप में स्नेह का भाव रहता है तो आपकी स्थिति कैसी होती है, आप आराम में होते हैं या परेशान होते हैं, संगीत में होते हैं या अंतर विरोध में होते हैं, सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। और जब द्वेष का भाव होता है तो क्या होता है, तो जब भी मुझ में ऐसा भाव रहता है जो मुझे सहज स्वीकार है, मैं जिसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ, उस भाव के साथ मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जिस क्षण भी मुझ में ऐसा भाव होता है जो सहज स्वीकार नहीं है, तो फिर मैं उसकी निरंतरता को बनाए नहीं रखना चाहता, उस भाव के साथ मैं परेशान होता हूँ, अंतर विरोध में जाता हूँ, दुखी होता हूँ और फिर मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो तीसरे स्टेप में हम अब अपनी स्थिति को देख रहे हैं।
तो कई बार ऐसा हुआ कि जब ऑब्जर्व करने जाते हैं तो आपको पहले से पता लग रहा होता है कि कुछ स्थिति ठीक नहीं है, परेशान है, उद्वेलित है, व्याकुल है, तो इसको भी देख सकते हैं, है ना, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। परंतु जब हम अपने भाव के भी सजग हो पाते हैं तो ज्यादा ठीक से हम देख पाते हैं इसको। तो कई बार आपको लगेगा कि इस क्षण मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं अपने आप में कहीं परेशान हो रहा हूँ, परेशानी का कारण नहीं दिख रहा, भाव भी स्पष्ट नहीं हो रहा। तो कई बार हम शुरुआत यहाँ से भी करते हैं कि देखो मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या मुद्दा है, क्या कारण है, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ से भी कई बार शुरू करते हैं। परंतु उसमें ये हो सकता है कि फिर हम वहीं पर उससे बाहर निकलने का कोई योजना कार्यक्रम बनाने लगे, कोई तरीका निकालने लगे। तो बेहतर तो यह है कि भाव में सजग होने का अभ्यास करें, उसका हम देख पाए कि सहज स्वीकृत है कि नहीं, और फिर हम इस बात को देखें। और स्टेप थ्री को करते हुए आपके अंदर धीरे धीरे ऐसी तैयारी और योग्यता हो जाएगी कि आप इन तीनों को साथ साथ भी देख पाते हैं। तो अगले भाव को जैसा वैसा हमने ऑब्जर्व किया, फिर मूल्यांकन भी किया कि सह स्वीकार है कि नहीं, स्थिति मेरी सुखद है कि नहीं, तो इसको हम अपने आप में भी करते रहेंगे। कुछ प्रश्न है, हैंड्स रेज्ड है, उनको ले लेते हैं। मेरी जो स्थिति है वो पिछले सेशन में जो मॉर्निंग सेशन किया था वहीं पर मैं हूँ। वो जब हम अपने भाव का मूल्यांकन करते हैं इस स्टेप में जब आते हैं तो क्या होता है ना कि जो अपने आप वो नहीं, बाहर से यदि कुछ इनपुट आता है तो कभी कभी तो उस पर ठीक रहते हैं, कभी कभी जो है तो उस पर जो है मतलब आहत हो जाते हैं, वो उसको फिर ठीक करना पड़ता है। ये चीज मैंने आपको जब मैं बीच में तो मैंने छोड़ दिया था, बच्चे स्कूल जाते हैं इस टाइम में, तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है, ये वाली स्थिति है भैया जी। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि बीच बीच में हम ध्यान देना रोक देते हैं या कम कर देते हैं ना, तो उससे हम फिर ऐसा लगता है कि जो कुछ पहले हम अपनी कल्पनाशीलता में स्थिति तक पहुंच गए थे, अब वो स्थिति नहीं बनी रह रही है, पुरानी स्थिति में चले जा रहे हैं। तो एक तो ये जो स्वयं के प्रति सजग रहना है इसको तो हमको बनाए रखने की जरूरत है, और इनफैक्ट घर के सारे काम करते हुए इस काम को कर सकते हैं। जी, सुबह व्यस्तता है बट दिन में तो 4 घंटे कहीं ना कहीं हमको खाली मिल जाता है, उसमें बैठ के इस काम को किया, इनपुट्स तो सारे हैं ही अपने पास। जी भाई। और इसके साथ जो हम लोग एक बात कहते रहे हैं कि भागीदारी बहुत आवश्यक है, जब हम भागीदारी करते हैं तो उससे हमको अपनी स्थिति का मूल्यांकन भी होता है और हमको अपने में परिमार्जन की प्रेरणा भी बनती है। तो जब हम ये अपने जो बाकी भागीदारी को भी रोक लेते हैं, एसोसिएशन को भी हम कम कर लेते हैं, फिर हम अपने ही पुराने अभ्यासों में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए जी। और भैया एक चीज ये भी मेरे साथ होता है शुरू से, जैसे अभी आपने जैसे जिस समय शुरू करते हैं कल्पनाशीलता पे ध्यान देना, तो उस समय जो है सो थोड़ा सा वो हो जाता है, माना तब नहीं हो पाता है, फिर कुछ देर के, जैसे कल आप जो इंग्लिश वाले सेशन में सुबह में ईगो पर वो जो रेस्पेक्ट वाला समझा रहे थे, तो ईगो वाला जो समझा रहे थे उस समय फिर हम कुछ और कल्पनाशीलता में चले गए, लेकिन जैसे अभी आपने अभ्यास शुरू करवाया तो कुछ देर बाद वो चलना शुरू हुआ, तो ऐसा क्यों होता है भैया? वही अवेयरनेस हमारी अगर पूरे समय न बनी रहे तो कभी हम बाहर से कोई प्रस्ताव मिलता है, सूचना आती है, तो हमारा ध्यान आकर्षण हो जाता है जी, पर फिर अपने कहीं पुराने अभ्यासों में चले जाते हैं, फिर कहीं ध्यान आकर्षण होता है। तो शुरुआत में तो ठीक है, परंतु एक समय के बाद स्थिति से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि काफी समय से आप ध्यान भी दे रही है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा सा उसको आप निर्णय लीजिए, क्योंकि अभी मुझे स्वयं में ज्ञान के लिए ठीक से काम करना है और भागीदारी को भी हमको बढ़ानी है। बिल्कुल भैया जी, भैया ये तो है ही मन, लेकिन वही नहीं, आपका कहना ठीक है भैया, और आप हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं, नहीं ठीक है। और एक चीज ये है भैया, जैसे कल मैंने सुबह का सत्र अटेंड नहीं किया था, वो वाला किया था दीदी वाला, इंग्लिश वाला, उसमें दीदी का ये एक आया था प्रस्ताव कि हम लोग जो ये चीज मान लेते हैं जो सामने वाला जो है सो इसी हिसाब से बिहेवियर करे या इसी हिसाब से करे, वो भी एक हमारे परेशानी का कारण है। तो ये वाला चीज क्या है, हम लोग क्यों मान लेते हैं कि आप इसी तरह से व्यवहार का कार्य करेंगे, ये वाला हम दीदी से पूछ नहीं पाए उस समय, क्योंकि रसपाल जी कह रही थी ना, उससे जुड़ा हुआ है कि एक स्थिति है कि हम छोड़ देते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, दूसरी स्थिति है कि हमको लगता है दूसरा मेरे अनुसार ही चले, सब कुछ मेरे अनुसार चले, बट एक तीसरी संभावना है कि मैं भी सही चलूं, दूसरा भी सही चले। तो मैं अपने में सही चलने के लिए तो निष्ठापूर्वक अपने समझ भाव के लिए काम करता हूँ, और
दूसरों के लिए है ना, मैं पूरा होने का प्रयास करता हूँ कि दूसरों का ध्यान कैसे जाए। उसमें भी दूसरों को प्रिस्क्राइब करने के बजाय दूसरों को मैं इनेबल करता हूँ, दूसरे को योग्य बनाने का प्रयास करता हूँ। उसमें जहां लगता है कि मुझे कोई बात सीधे तौर पे कहनी है वहां भी कहता हूँ, जहां मुझे लगता है कि उसके लिए पूरी तैयारी करानी है अगले व्यक्ति की, पूरे वातावरण पे काम करना है परिवार में, उसके लिए भी काम करता हूँ। तो मैं स्वयं के ज्ञान के लिए, परिमार्जन के लिए भी प्रयास करता हूँ, दूसरे में परिमार्जन के लिए हर क्षण प्रयास करता रहता हूँ। तो ये जो है ना, ये तभी हो पाएगा जब हम अपने परिमार्जन के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमको ऑब्जर्व कर रहा है। हम कभी कोई बात जाकर दूसरे से कहें है ना, और वो ऑकेजनली कह रहे हैं हम, बट बाकी समय हम खुद अगर सजगता से नहीं जी रहे हैं, कहीं हम ही अपने पुराने मान्यताओं पे, संस्कारों पे चले जाते हैं, तो अगला व्यक्ति इसको ध्यान में बनाए रखता है, फिर हमारी बात की ध्यान नहीं देता है। और अपनी भी ऑब्जर्व करें जी, ठीक है भाई, इसको ऑब्जर्व करें। और थोड़ा सा मुझे लगता है अब आपकी भागीदारी बढ़नी चाहिए है ना, अदरवाइज ये स्थिति से बाहर नहीं निकलेगी। आप जो कह रहे, मेरा भी बहुत मन है, बल्कि हम जब देखते हैं कि मतलब हमारे साथ के जो और दीदी भैया हैं, वो लोग बहुत कम समय में बहुत अपने को बहुत तैयार कर लिए हैं, तो हमको इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैंने कहीं ना कहीं एक गलत अपने अंदर गलत मान्यता को सेट करके, कि जब मैं पूरी तरह से पूरी बात को समझ जाऊंगी तभी अपनी भागीदारी बढ़ाऊंगी, अपने ऊपर वो लगाया हुआ है। क्योंकि देखिए भैया, ऐसा है ना कि हमें लड़खड़ाते हुए अपने आप को ठीक करना है, सीखना है, भागीदारी भी करनी है, वो वाली स्थिति है। तो ये वाला जो मैंने अपने को लगा दिया है ना, ये गलत मैं अपने साथ कर रही हूँ मुझे लग रहा है। लेकिन इस पे पहले ही बात हुई थी कि जब मान लेते हैं कि जब पूरा समझ जाएंगे तो भागीदारी करेंगे, पूरा समझेंगे कैसे, समझने में तो जीकर देखना जरूरी है। जी जी, ये चीज जो है ना वो मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। लेकिन नहीं भैया, मैं आपके बात को मैं ध्यान में है भैया, आप ठीक कह रहे हैं जी भैया, धन्यवाद सभी का भैया, धन्यवाद। एक्चुअली मैं कल इसी पे पूरी ऑब्जर्वेशन थी, मुझे काफी क्वेश्चंस के जवाब तो आपके पहले वाले दो जो मेरे पार्टनर्स हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स में मिल गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कल का। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और स्कूल में कल ऐसा हुआ कि एक टीचर ने शॉर्ट लीव के लिए बोला इंचार्ज को, तो उनको भेज दिया गया। शॉर्ट लीव मीन्स हाफ एन आवर या वन आवर मैक्सिमम, लेकिन वो 3 घंटे तक वो टीचर नहीं आई थी। मैं ये मतलब बाय चांस मैंने देखा, मैं जानबूझ के नहीं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें जाते हुए भी देखा और आते हुए भी देखा। और मैंने ये भी देखा कि एक और प्राइमरी टीचर ने शॉर्ट लीव मांगी हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनको मना कर दिया गया। तो उसके बाद से लगातार सुबह तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये पार्शियलिटी हुई है, कि एक टीचर जो बहुत क्लोज रहती है, उनके ऑफिस के काम करती है, उनको 3 घंटे के लिए जाने दिया और एक जो आधे घंटे के लिए कह रही थी उसको नहीं जाने दिया। तो एक स्टेट आई वॉज अनकम्फर्टेबल, मतलब बहुत सुबह तक कि ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद थोड़ा सा मेरे मन में ये भी भाव था कि मुझे भी काम था, मैं भी जा सकती थी, लेकिन मुझे ये भी पता था मुझे नहीं जाने दिया जाएगा, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो अभी जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि मतलब जरूरी नहीं कि दूसरा हमारे हिसाब से चले, हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, तो ये भी मैं देखती हूँ कि हाँ मे बी इंचार्ज ने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, तो ऐसे किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये पार्शियलिटी है। इसको डील करने के लिए अगर मैं जाती भी हूँ, अपने भाव को ठीक रख के उनसे बात करने के लिए जाती हूँ, इंचार्ज को कुछ कहती हूँ इस बारे में, तो भी मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं सुना जाएगा। तो इस सिचुएशन में आगे मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि व्हाट शुड आई डू कि ऐसा ना हो। मुझे मतलब इनजस्टिस लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जी देखिए, एक संभावना तो ये है कि पार्शियलिटी हुई जो आपने उसको अर्थ दिया, दूसरी संभावना ये है कि जो हेड है उन्होंने एक को जाने दिया आधे घंटे के लिए, तो 3 घंटे तक नहीं लौटा, तो उनको लगा कि अब दूसरे को भी मैं अलाउ करूंगा तो दूसरा व्यक्ति भी शायद 3 घंटे तक नहीं लौटेगा, आधा घंटा कह के जा रहा है, तो उन्होंने सबको मना कर दिया। एक दूसरी संभावना ये भी है। लेकिन सर वो सेम टाइम पे आए थे, तो ये तो नहीं पता होगा उनको कि वो 3 घंटे तक नहीं लौटेगा।
मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, ऐसे नहीं वो कह के जा सकते कि शॉर्ट लीव के लिए जा रहे हैं और 3 घंटे तक ना आए। नहीं नहीं आपने जो बताया पहले व्यक्ति को आधे घंटे के लिए शॉर्ट लीव मिली और 3 घंटे बाद लौटे तो दूसरे व्यक्ति को मना कर दिया गया, तो इसका एक अर्थ तो यह है कि पार्शियलिटी हुई। दूसरा अर्थ ये है कि पहले व्यक्ति के आचरण को देखकर अगला व्यक्ति सतर्क हो गया कि दूसरा व्यक्ति तो दिए गए अवसर का दुरुपयोग कर रहा है। जी, ये भी एक अर्थ हो सकता है। तो फिर उसने सबके लिए ब्लैंकेट रूल बना दिया कि भाई किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। जी। तो आप उसकी स्थिति को भी समझिए जो हेड है कि उन्होंने तो पहले उदारता पूर्वक अलाउ किया बट उसका दुरुपयोग हुआ तो फिर उन्होंने सबके लिए नियम बना दिया कि भाई ये उदारता नहीं रखी जाएगी। तो ये भी एक अर्थ हो सकता है। तो वहां पे हम बैठ के बात कर सकते हैं हेड के साथ कि पार्शियलिटी की स्थिति थी या वो खुद भी अपने आप में इस बात को देखकर कहीं आराम में नहीं थे कि लोग किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, उनके साथ तो उदारता रखी जाए तो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, ये भी एक संभावना है। जी हाँ जी याद आ रहा है सर, लास्ट में बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या बात है जिस दिन मैं इंचार्ज होती हूँ सारे शॉर्ट लीव के लिए आ जाते हैं, उन्होंने बोला था ये लास्ट में 1:30 के आसपास। जी तो ये हो सकता है कि उनके व्यवहार में उदारता है, उनके भाव में उदारता है तो लोग उनके पास अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा व्यक्ति होंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। तो देखिए जब अगला व्यक्ति हमारे साथ उदारता रख रहा है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उस उदारता का सदुपयोग करें ताकि अगले व्यक्ति को अपने निर्णय पे अफसोस ना करना पड़े कि हमने गलत निर्णय लिया। इनफैक्ट जब भी संबंध में कोई हमारे साथ उदारता रखता है तो हमारी जिम्मेदारी संबंध में और बढ़ जाती है। जी है ना। और हम भी देखें कि एक अवसर में मिला कि हम अपने कुछ पर्सनल काम कर पाए उसके कारण स्कूल का काम है वो सफर ना करे, अगर हमें थोड़ा सा और रुक कर काम पूरा करना पड़े तो उसको भी हम कर दें। तो एक तो आपस में संवाद होना जरूरी है और जब हम लोग भाव पे अभ्यास कर रहे हैं तो इस भाव के भी परिमार्जन की आवश्यकता है, तब हमारे अंदर दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति रहती है कि हर व्यक्ति सही जीना चाहता है, सही करना चाहता है, दूसरे को सही में सहयोग करना चाहता है, यानी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, परंतु योग्यता के भाव में नहीं कर पाता। जी तो योग्यता को बढ़ाने की बात है। तो और ये भी जो आपने उदाहरण लिया उसमें भी कई बार होता है कि जब कोई सामने घटना घटती है तो सूचना तो हमको मिलती है और सूचना को अर्थ मैं स्वयं देता हूँ और जो मैं अर्थ देता हूँ मैं अपने खुद पुराने जो भाव और विचार का अभ्यास से जोड़ कर देता हूँ। तो हर व्यक्ति उसको अलग अलग ढंग से अर्थ दे सकता है, उसमें कौन सा अर्थ सही है वो तो आपस में संवाद करके ही तय हो पाएगा। जी लेकिन एक्चुअली शायद जो टीचर 3 आवर्स के लिए नहीं थी उनके प्रति शायद मेरा भाव पहले से ही ठीक नहीं था क्योंकि मैंने उन्हें पहले भी बहुत बार ऐसे शॉर्ट लीव लेके जाते हुए देखा, मतलब 1-2 घंटे के लिए वो नहीं थी। तो पता नहीं मतलब शायद पहले से ही मैंने आई वॉज प्रिजुडिस्ड, मतलब मैं बायस थी कि ये ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर कोई विरोध का भाव बना हुआ है किसी के प्रति, उस विरोध सॉरी मैं आपको जी आप कहिए। तो ये हमारे अंदर हो सकता है कुछ विरोध का भाव भी बना हुआ है और हो सकता है जो हेड है उनके प्रति भी कुछ ऐसा भाव बन गया, तो हम जो बाहर जाने वाले व्यक्ति हैं जो लेडी फैकल्टी उनका भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाए और जो हेड है उनका भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाए। जी जी लेकिन मैं उनका सही मूल्यांकन कैसे करूं, मतलब मुझे ये अच्छा ही मुझे ये ठीक ही नहीं लगता हर वीक में 2 बार आप शॉर्ट लीव लेके जा रहे हो और फिर 10-15 मिनट के लिए नहीं, हाफ एन आवर के लिए नहीं, आप 1-1.5 घंटे तक नहीं आ रहे हो। मैं मतलब उनकी कोई परेशानी भी हो सकती है उसको भी समझ सकते हैं, हो सकता है उनका कोई उदाहरण के लिए कोई छोटा बेबी हो, है ना, या कुछ बाहर का ऐसा काम हो, कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक का कोई काम है, बाहर किसी ऑफिस का काम है जिसके लिए जाना जरूरी है, तो ये भी हो सकता है कि उनकी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उनको बाहर निकलना जरूरी है, उसको भी समझ सकते हैं। तो ऐसे अवसरों पर अगले व्यक्ति से संवाद करना बनता है और जिसमें देखिए मुख्य बात है ना कि अपने भाव को सजग होना बनता है, हमारा भाव बिगड़ता है तो हम अगले का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। जी हम पहले से ही कुछ मान लेते हैं अगले व्यक्ति के बारे में कि ये तो भाई है ना गुड बुक में है HOD का इसलिए देखो इसको अवसर मिल रहा है। जी ये तो है ना, तो हमारी बहुत सारी मान्यताएं बन जाती है अगले व्यक्ति के बारे में, फिर हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, उसको जेन्युइन नीड भी है तो भी हम उसको नहीं देख पाते। जी सही कह रहे हो आप। जी आई कैन सी दैट। आप जो भागीदारी की बात कर रहे हैं वो
जॉब और अपने घर के काम को छोड़ के जो वॉलंटियरशिप में भागीदारी की बात उसकी बात करते हैं आपकी वहां पे करें ऐसा छोड़ के नहीं साथ लेकर तो हाँ नहीं नहीं छोड़ के नहीं मतलब उसके अलावा वहां पे अपना मन लगाए ऐसा बोल रहे हैं जी। तो जो भागीदारी की बात कर रहे हैं वो समाज में मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारी भागीदारी इसकी बात हो रही है। हाँ तो उसकी शुरुआत कैसे होगी मतलब कहाँ घर से ही होगी या बाहर से होगी? घर से भी होगी बाहर से भी होगी। तो अभी जैसे भागीदारी की बात कर रहे हैं तो मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी हर व्यक्ति में समाधान कैसे सुनिश्चित होगा। तो जैसे अभी जो कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है ना तो ये एक शिक्षा के रूप में पूरे समाज में जाना जरूरी है तो उसके लिए हम भागीदारी कर सकते हैं। हर व्यक्ति में संयम का भाव हो हर परिवार में सभी स्वस्थ हो उसके लिए हम भागीदारी कर सकते हैं। हर परिवार समृद्ध हो है ना हर परिवार में सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो उसके लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाए इसके लिए भागीदारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो जैसे अभी शिक्षा में जितना सारा काम हो रहा है उसमें अगर हम भागीदारी करते हैं तो एक तो हमें इस पूरी बात पे बार बार ध्यान देने का अवसर मिलता है और यदि हम इस बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो अपना और सटीक मूल्यांकन कर पाते हैं कितना हमने समझा है नहीं समझा उस पर मूल्यांकन कर पाते हैं। तो एक तो हम भागीदारी परिवार में करें विधिवत मतलब कि परिवार की व्यवस्था को ध्यान में रखकर हम उसके साथ समाज में भागीदारी कर सकते हैं। तो जो ये बात हो रही है कि स्वयं में जांचना और जीकर देखना और जीकर देखने को देखें तो फैलते फैलते वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा तक जाता है तो वहां तक भागीदारी करते हैं। स्वयं में भी हम अभी कल्पनाशीलता में काम कर रहे हैं भाव के स्तर पर काम करें उससे आगे बढ़ते बढ़ते हमको अनुभव तक जाना है। एक छोर पर जब हम अनुभव के लिए काम कर रहे होते हैं तो दूसरे छोर पर हम मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहे होते हैं। तो स्वयं में जो अनुभव तक जाने का प्रयास है उसको जांचना कहा मानवीय परंपरा तक भागीदारी करने का जो अभ्यास है उसको हमने जी कर देखना कहा। ये दोनों ही काम जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम को ऐसा लगता है कि भागीदारी को तब करेंगे जब समझ जाएंगे हम पहले अनुभव के लिए काम करेंगे ज्ञान के लिए काम करेंगे जब पूरा हो जाए तो भागीदारी करेंगे तो ज्ञान हो नहीं पाता क्योंकि हम खाली विचार में रह जाते हैं। तो एक छोर पर हमको ज्ञान के लिए काम करते हुए रहना है दूसरे छोर पर ये जो समाज में व्यवस्था के लिए भागीदारी करनी है उसको भी पूरा करना है तब जाकर हम सटीक गति कर पाते हैं नहीं तो हम फिर विचार में ही रह जाते हैं। अगर हमने ज्ञान के लिए काम करना रोक दिया और भागीदारी करने गए तो हम घटनाओं से ही सुखी दुखी होते रहते हैं बाहर की घटनाओं से है ना हमने कुछ दूसरों के लिए कुछ कर दिया कुछ उपकार कर दिया उसका फल परिणाम जैसा है उसके अनुसार सुखी दुखी होते रहे और यदि उसको रोक दिया स्वयं में ज्ञान के लिए काम किया तो पता चला खाली विचार ही विचार कर रहे हैं है ना शब्दों में ही घूम रहे हैं अर्थ तक जा नहीं पा रहे हैं। ये दोनों छोर पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है भैया जी ज्यादातर हम मतलब मैं अपनी बात करूं तो विचारों पे ज्यादा रहते हैं और वो थकान देता है और उसके उसमें स्केपिज्म देखते हैं कि नहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये और ज्यादातर चीजें ज्यादातर चीजें भागीदारी को रोक देंगे तो विचारों में इसका किसीजम ही चलता है कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ ठीक और फिर हम उसी में विश्लेषण कर रहे होते हैं उसी में हम सुखी दुखी होते रहते हैं। बहुत थकान देने वाला होता है और एस्केपिज्म देखते रहते हैं मतलब दूरी करना उस चीज को छोड़ दिया फिर उधर चले गए वहां चले गए वे चले गए जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं दो दिन शादी में चले गए आगे तो वहां ठीक लगा लोगों के बीच में ये पहन लिया वो खा लिया उसके बाद आए तो फिर खाली हो गए तो इसका मतलब वो इल्यूजन जो है ना सारी चीजें इल्यूजन में ही चलती रहती है और विचार वाले मामले में रहती है। अब पर एक कल मैं आपको एक बात बताऊं तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स का मैं वो पढ़ रही थी कि जैसे देशों की जो रैंकिंग होती है उसमें वो कह रहे थे 30% जो है वो रिलेशनशिप और साइकोलॉजी और आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और 70% बायोलॉजी पे है और बायोलॉजी मतलब आपका ये विटामिन डी हार्मोनल बैलेंस और आपका वाटर और हाइड्रेशन बॉडी का और फूड की क्वालिटी और एयर की क्वालिटी इस पे बात कह रहे थे वो तो मेरा ये लगा कि थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन रखे क्योंकि देखिए जो सब इंडिसेस बनाए गए हैं हैप्पीनेस का इंडेक्स बनाया गया है तो उसमें अभी मैं की समझ की बात है नहीं है ना संबंधों की समझ की बात है नहीं तो जो भी शरीर और सुविधा के स्तर पर उपलब्धि हो सकती है उसको केंद्र में रखकर सारी बात होती है तो इसीलिए अभी वो अपना आधार न बने हम तो स्वयं में अपने भाव को सजग होते हुए जैसा है वैसा उसको देखने का प्रयास करें और हम स्वयं में ज्ञान के लिए काम करें ठीक है ना। तो अभी क्या होता है हम विचारों में फिर ऐसे हम और भी बहुत सारे विचार ले आते हैं तो हम कभी कोई पुस्तक पढ़ते हैं कभी कोई बाहर से सूचना मिल जाती है
तो इस तरह से चीजों में हम फिर विचार करते रहते हैं। तो इसलिए उसको ही कहा कि अगर अपने को सटीक गति देनी है, बारीक गति देनी है, तो फिर ये तो स्वयं में जांचने का और उसको परस्परता में जी कर देखने का बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये करना जरूरी है। अदरवाइज वही हम सूचनाओं में फिर है ना विचार करते रहते हैं, सूचनाओं को लेते देते रहते हैं, उससे कुछ बात बनती नहीं है। आज के असाइनमेंट ग्रुप में यही बात है कि हमको अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना है, इसको देखना है। तो आज ये असाइनमेंट रहेगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।